वेलकम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। उसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन करके प्रूव करना है, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल है। नाउ सॉल्व ब्रैकेट cos 2y - 3x² / dx + ब्रैकेट cos 2y - 2x sin 2y - 2x³ y * dy = 0 है। सो ये इस फॉर्म में है। सो m ऑफ ये हो गया m ऑफ xy dx प्लस n ऑफ xy dy इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है। नाउ इज गिवन m, m क्या है इधर cos 2y माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर, ओके ये m हो गया। एंड n क्या है इधर cos 2y माइनस 2x sin 2y माइनस 2x क्यूब y हो गया। सो m को क्या करना है, डिफरेंशिएट m विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली करना है। इधर x कांस्टेंट आएगा, cos 2y को डिफरेंशिएट किया तो माइनस sin 2y आएगा, उसके बाद 2y को डिफरेंशिएट किया तो सिर्फ 2 आएगा, ये हो गया। माइनस सेकंड टर्म 3x स्क्वायर y स्क्वायर है, 3 कांस्टेंट है इधर, x स्क्वायर भी कांस्टेंट है, y स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया है करना किया तो 2 आएगा, इधर 6x स्क्वायर y आएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड वन, डिफरेंशिएट n विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, y ट्रीटेड एज ए कॉन्स्टेंट। इधर फर्स्ट टर्म क्या है इधर cos 2y, ये कॉन्स्टेंट हो गया, 0 आ जाएगा डायरेक्ट। बाद में सेकेंड क्या है टर्म माइनस 2x sin 2y, इधर माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, sin 2y भी कॉन्स्टेंट है, x वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है, x बिकम 1, सो माइनस 2 sin 2y हो गया। माइनस विद रिस्पेक्ट टू x करना है, 2 कॉन्स्टेंट है, y कॉन्स्टेंट है, x क्यूब को डिफरेंशिएट किया करना है, इधर 6x स्क्वायर y आ गया। नाउ सीधी dou m by dou y एंड आल्सो dou n by dou x, बोथ रिजल्ट आर सेम रहा तो इसको क्या करना है, इज ए एग्जैक्ट। उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n ऑफ y dy इज इक्वल टू c, इंटीग्रल कॉन्स्टेंट है, ओके। सो m टर्म क्या है इधर, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2y माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n ऑफ y, मतलब n में कोई भी x वेरिएबल नहीं रहना चाहिए, सेकेंड टर्म में थर्ड टर्म में x वेरिएबल है इसको नेगेट करना है, ओनली फर्स्ट टर्म विल कंसिडर हियर, cos 2y विद रिस्पेक्ट टू y दैट इज इक्वल टू c, ओके। नाउ फर्स्ट टर्म में क्या है, cos 2y मतलब कॉन्स्टेंट हो गया वो, सो cos 2y बाहर किया तो 1 बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x किया को क्या आएगा, इंटू x आएगा। माइनस इधर 3 कॉन्स्टेंट है, y स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, x स्क्वायर बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x किया तो x क्यूब बाय 3 आएगा, ओके। नाउ प्लस बाद में सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ cos 2y विद रिस्पेक्ट टू y करना है, विद रिस्पेक्ट टू y करना है, मतलब cos को इंटीग्रेशन करना है। नाउ ये cos को किया तो sin 2y डिवाइड बाय कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या है इधर 2 है, दैट इज इक्वल टू c है, इधर 3 3 कैंसिल हो गया। नाउ देयरफॉर आंसर इज ए cos 2y इंटू x, ओके इंटू x माइनस x क्यूब y स्क्वेयर प्लस साइन 2y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू c आ गया। नाउ दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगर आप इस वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में दीजिए, सब्सक्राइब किया तो आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। आपको दूसरी वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाइए, और आई बटन में भी कुछ लिंक्स है, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।